गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 9 लाख पार कर गया है और चार धाम यात्रा के शुरू हुए 44 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान दोनों धामों में पिछले साल की तुलना में लगभग 16% और साल 2022 की तुलना में लगभग 37% अधिक यात्रियों का आगमन हुआ है। यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। नियमित रूप से तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। अब तक 3,89,997 तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 24,437 यात्रियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया है। देखिए खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या ने ये सारे रिकॉर्ड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा आपको बता दें कि 9 लाख के पार पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यात्रा सुव्यवस्थित रूप से इस वक्त जारी है। और ये अच्छी खबर गंगोत्री यमुनोत्री के लोगों के लिए है, क्योंकि ये यही सीजन होता है जिस समय पर व्यापारी अधिक से अधिक व्यापार कर पाता है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा लगातार जारी है और मैं बता दूं इस वक्त जो है गंगोत्री यमुनोत्री में जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं, जो आज 41वें दिन के अगर हम पूरा डिटेल देखें तो 9 लाख के ऊपर इस समय गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रा करके लोग अपने घर को पहुंच चुके हैं। इस बार मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है, जिसके कारण इस तरह की यात्रा चली है। और अगर मैं बता दूं जो पिछले जो रिकॉर्ड हैं 2022 और 23 के जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार हमने देखा है कि 2024 में यात्रा चली है, इसमें 37% की यात्री जो है लगभग जो है बढ़ोतरी हुई, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी की जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सभी का व्यापार भी बहुत बढ़िया चला है। और जिस तरह से हम बता दें, इस तरह से घोड़े खच्चर कंडी डंडी या फिर गाड़ी वाले या फिर ग्रामीण लोग जो है, जिस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से सभी को फायदा पहुँचा है। महावीर राणा, नेटवर्क है, उत्तरकाशी।